और बड़ी खबर गुजरात से। गुजरात की एक चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई विवादित मुद्दों पर अपना पक्ष साफ किया है। अहमदाबाद के धुंधका की एक चुनावी रैली में आज पीएम ने कहा कि वो चुनाव के हिसाब से फैसले नहीं करते। साथ ही कांग्रेस पर भी उन्होंने एक के बाद एक ताबड़तोड़ आरोप लगाए। आप राजनीतिक नफा नुकसान में लगे रहते हो। उन्होंने राम मंदिर मसले पर कांग्रेस को घेरा, निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस से पूछा कि 2019 में होने वाले चुनाव में सुन्नी वक्फ बोर्ड लड़ेगा या कांग्रेस। तीन तलाक पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपना तर्क दिया। उन्होंने मुस्लिम समुदाय की पीड़ित महिलाओं के हक के लिए सुप्रीम कोर्ट में तीन तलाक के मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट किया। इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के कर्ज पर लगने वाले ब्याज पर भी माफी का ऐलान कर दिया। यानी चुनाव के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे और अहमदाबाद से उन्होंने इस बार कांग्रेस को घेरा। क्या कहा मोदी ने? कांग्रेस के सांसद कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम समाज का पक्ष रख रहे हैं, ये उनका हक है, मुझे इस पर कोई शिकायत नहीं है। ये बाबरी मस्जिद बचाने के लिए वकालत कर रहे हैं, मुझे कोई समस्या नहीं है। आप दलील रख सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये कहने की हिम्मत कर रहे हो कि साल 2019 के चुनाव तक सुनवाई टाल दी जाए? क्या आप चुनाव के लिए राम मंदिर को लटकाना चाहते हो? आप ये बताइए कि चुनावी या चुनाव सुन्नी वक्फ बोर्ड लड़ेगा या कांग्रेस पार्टी लड़ेगी? राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा और आप राजनीतिक नफा नुकसान में लगे हो।